आगामी 9 से 15 दिसंबर तक खुराई में आयोजित पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर की श्रीमद् भगवत कथा की तैयारियों के लिए मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने कथा स्थल के पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं और मंच का निरीक्षण किया। इस धार्मिक कथा आयोजन के मुख्य आयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं। आयोजक की व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे किला प्रांगण से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा किला प्रांगण से प्रारंभ होकर पुराना थाना, झंडा चौक, परसा चौराहा, मरई माता, जनपद जेल रोड और गोरट रोड से होते हुए कथास्थल भैरव बाबा मंदिर, गुलाबरा बगीचा परिसर पहुंचेगी। इसके पश्चात पूज्य संत श्री कमल किशोर नागर के श्रीमुख से भागवत कथा प्रारंभ होगी। इस गरिमामयी धार्मिक आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जो हमारे संत श्री कमल किशोर नागर जी की कथा तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब तो गुरुदेव के आगमन का ही इंतजार है और गुरुदेव जैसे ही आएंगे कल हमारी किला प्रांगण से कलश यात्रा शुरू होगी। जो 9 बजे वहाँ से 10 बजे कलश यात्रा निकलेगी तो यहाँ पे 12 बजे तक कलश यात्रा आएगी। उसके बाद भागवत कथा श्री गुरुदेव के श्रीमुख से भागवत कथा का आयोजन होगा और तैयारियाँ बहुत बड़े स्तर पे हो चुकी हैं और इसके आयोजक भूपेंद्र भैया जो लगातार इस कथा के लिए पूरे टाइम हम लोगों से पूछते रहते हैं और व्यवस्थाओं की जानकारी लेते रहते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी व्यवस्थाएँ पूरी हो चुकी हैं, बस कथा तब से शुरू हो जाएगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।